इस चरण में दो हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान हो रहा है, रायबरेली और अमेठी, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। प्रत्युष खरे मेरे सहयोगी अमेठी से जुड़ रहे हैं मेरे साथ और नीलेश शुक्ला मुंबई से। प्रत्युष, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, अभी हमने आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी, आप जनता के बीच भी गए और सुबह से वहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है अमेठी का इस बार? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हम इस वक्त अमेठी के लोकसभा सीट के विधानसभा क्षेत्र, अमेठी विधानसभा क्षेत्र के पंडित त्रिवेणी प्रसाद पांडे स्मृति द्वार यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अंदर बूथ है जहाँ पर वोटिंग चल रही है, कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। बाबा क्या नाम है, वोट डाला आपने? नहीं डाला, रबीर लाल को था। कहाँ, क्या हो गया? रबीर लाल को नाम नहीं है उसमें, नाम नहीं है उसमें, नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में। तो बात हो रही है बीएलओ से? अच्छा जी जी, इनका नाम है वोटिंग लिस्ट में और यहाँ जो डिलीट वगैरह है। अच्छा, ये बता रहे हैं किसी तरह इनको लेके आए हम, अब वोट देने नहीं मिल रहा है। तो बात हो रही है? बात हो रही है, वो कह रहे कि टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट है? जी जी, वो बता रहे हैं। इसी बूथ में इनको वोटिंग? हाँ जी जी। कितनी उम्र है इनकी? 87। जी जी जी। अच्छा, अब किसी तरह इनको लेके आए हम, इतनी परेशानी लेके आए, उसके बाद वोट देने मिले, वोट भी खराब हो गया। वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन अंदर अंदर नहीं, नंबर कह रहे हो डिलीट हो गया है। डिलीट हो गया जी जी जी। यानी कि प्रत्युष, वहाँ पर वोटर्स को छुटपुट समस्याएं आ रही है। प्रत्युष, आप बात कीजिए वहाँ पर मौजूद जनता से, मैं आगे आपका रुख करूंगी, लेकिन अब मुंबई में चलती हूँ नीलेश के पास। नीलेश, अगर मुंबई में आज वोटिंग के लिहाज से देखा जाए तो व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर की गई है और उत्साहजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है। क्या आम क्या खास, हर कोई वोटिंग के लिए पहुंच रहा है, कैसा दिख रहा है वहाँ का सियासी गुणा भाग? सियासी गुणा भाग जो चल रहा है वो फिलहाल ईवीएम के अंदर दर्ज हो रहा है और उसका जो नतीजा है वो 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके का आप माहौल का जिक्र कर रही हैं तो माहौल पर सीधा असर मौसम का भी पड़ता नजर आ रहा है। जो उबलने वाली जो गर्मी है वो यहाँ पर महसूस की जा रही है और इसके चलते जो आप तस्वीरें देख पाएंगे, फिलहाल जो वोटिंग बूथ है वहाँ पर जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम नज़र आ रही है सुबह के मुकाबले। सुबह जो माहौल अच्छा था, मौसम अच्छा था, तो हमने देखा कि कई जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो सबसे पहले कतार में हमें नजर आए थे। अब जो तस्वीर है वो थोड़ी सी ठंडी नजर आ रही है। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि ये एक बेहद हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ है जहाँ पर लगातार जो देओल परिवार है वो पहुँचा है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, सनी देओल हो, बॉबी देओल हो, उनकी माता जी हो, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। अनिल कपूर यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद अब इंतजार हो रहा है बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का। तो लगातार जो वोटिंग को लेकर उत्साह है वो कहें कि लोगों में ज़रूर बरकरार है, लेकिन जो टर्नआउट है वो कहीं ना कहीं जो उत्साह का कहें कि अगर आकलन करना चाहें तो वो थोड़ा कम नज़र आता है, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में 1 बजे के डेटा के अनुसार 28% मतदान हुए हैं। यानी कि धीमी रफ्तार से वहां पर वोटिंग हो रही है। नीलेश, नजर आप बनाए रखिएगा, बारामूला भी मुझे जाना है, खालिद हुसैन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, आपके पास क्या अपडेट है वोटिंग परसेंटेज को लेकर, कैसा माहौल वहां पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, माहौल जो है उत्साह भरा है। इस वक्त हम एक ऐसे इलाके में है, पलहल का वुसन इलाका है, जहां अक्सर बहिष्कार का समा देखा जाता था जब भी चुनाव होते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ की महिलाएं जो लगातार यहाँ पोलिंग के लिए पहुँची हैं और यहाँ पर अभी भी कतारों में खड़े, और जो आपने मतदान का परसेंटेज मुझसे पूछा है वो 34.7 हो चुका है, और 2019 में केवल 34% वोट पड़े थे और उसको वो पार कर चुका है और अभी भी कुछ घंटे मतदान के बाकी है। यानी अगर हम इन 4 जिलों की बात करें, चाहे बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो या बडगाम हो, हर जगह से बम्पर वोटिंग की खबरें आ रही है। लंबी लंबी कतारें हमने सुबह 7 बजे से ही देखी और अभी तक ये कतारें थमने का नाम नहीं ले रही है। बेहद सकारात्मक तस्वीर खालिद आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप तीनों सहयोगियों का शुक्रिया। Z News.